क्या होता है गाइस जब प्लान अचानक से बदल जाते हैं और एक ही दिन तीन तीन फंक्शन होते हैं। आइए देखिए, मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, किस तरह से मैंने तीन तीन फंक्शन अटेंड किए एक ही दिन में। और आज का व्लॉग है 16 जून का दोस्तों। 16 जून मैंने गाड़ी धुलवा ली है, आप लोग जैसे देख रहे हैं, और गाड़ी में मैंने पॉलिश कर दिया है। और आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी कार दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। और अगर आपको पॉलिश के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी चाहिए होगी तो मुझे कृपया कर DM करें दोस्तों, मैं मजाक कर रहा था, सॉरी। और आज का व्लॉग बने रहने के लिए आप लोग दोस्तों बस मेरे साथ रहिए। और देखिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ सेक्टर 6 अग्रसेन भवन, जिसमें एक बच्ची का बर्थडे है दृष्टि का, और ये हमारे परिवार की बच्ची है दोस्तों, हमारे साहू आंटी और उनकी लड़की नितिशा साहू जी की लड़की है, यानी साहू आंटी जी इनकी नानी जी हैं। और आप लोग देखेंगे यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। मैं बहुत दिनों बाद अग्रसेन भवन गया सेक्टर 6 के, और जो कि बहुत ही बेहतरीन बनाया है, वेल फर्निश्ड हो गया है दोस्तों, फुल ऑन AC। और ये देखिए, आंटी ने बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है। और ये है मेरी छोटी बहन और दामाद जी, और ये छोटा बच्चा जिसका हम बर्थडे में आए हुए हैं, जिसके बर्थडे में दोस्तों। और यहाँ पर उनकी भी नानी यानी पर नानी, बच्ची की दृष्टि की पर नानी है दोस्तों, ये आप देख सकती हैं, एकदम फिट एंड फाइन, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर सब घर वाले एकत्रित हुए हैं और बहुत ही सुंदर माहौल है। ये मामा जी हैं, मामी जी हैं, उनकी लड़कियाँ, और इनका पूरा परिवार आ चुका है दोस्तों इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। और बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि हमारे ये पारिवारिक फ्रेंड्स नहीं बोलने चाहिए, ये हमारा परिवार ही है दोस्तों, क्योंकि हमारे पापा लोगों ने इस रिलेशन की नींव रखी है। और यहाँ पर आप देखेंगे मैं फ़ोटोशूट करा रहा हूँ, और ये गाने स्टार्ट होते हैं तो मैं भी स्टार्ट हो जाता हूँ, देखिए आप लोग। और दोस्तों यहां से मैं चले जाता हूं सीधा आशीर्वाद भवन हमारे रिसाली में दोस्तों, जहां पर मेरे खास अजीज दोस्त मिस्टर अनुराग साहू जी का यहां पर सगाई थी, और वशिष्ठ भैया आ चुके हैं, और हमारे यहां बड़े भैया सोपान भैया हैं दोस्तों। ये देखिए भाई लोग सब मिल रहे हैं, और ये है मेरा प्यारा दोस्त अनुराग भाई और भाभी, और बहुत ही सुंदर जोड़ी है दोनों की। आंटी नमस्ते, एक नंबर, ये मोर दोस्त सारे। और ये मम्मी जी है हमारी गोलू भाई की। और फंक्शन में बहुत मज़ा आया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सगाई के फंक्शन में हमारे सब दोस्त लोग, मनोज भाई मेरे साथ थे, और कॉन्ग्रेचुलेशन अनुराग भाई और भाभी जी आप दोनों को। और ये देखिए पुराने मित्र बड़े भैया गोल्डी भाई, हम लोग सब मिले। और खाना दोनों पार्टियों का औसम था दोस्तों, हमने थोड़ा थोड़ा खाना दोनों जगह ट्राई किया है, और आपको मैं दिखाऊँगा दोस्तों। देखिए बहुत ही सुंदर खाना था, अग्रसेन भवन और आशीर्वाद भवन दोनों का, बोथ आर गुड कैटरिंग्स एंड गुड एम्बेसियन दोस्तों। और यहाँ पर आप देखेंगे हम दोनों की फोटो, और हम लोग आ गए हैं दोस्तों साहू आंटी के फंक्शन में वापस से, क्योंकि उस टाइम हम मिल नहीं पाए थे। और अब देखिए यहाँ पर संगीत का प्रोग्राम चलेगा कैरियोके का, और जिसे मैं परफॉर्म करूँगा, आप लोग देखिए।
और दोस्तों हम लोग आ गए हैं एक नए घर में, जो हमारे स्ट्रीट में हमारे अंकल रहते हैं वैद्य अंकल, और इनके घर के प्लांटेशन देखिए, ये मनी प्लांट है दोस्तों। अलग अलग कलर के पेंट के पत्ते हैं दोस्तों, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा ये पेंट गिरा हुआ है। और घर बहुत ही सुंदर बनाए हैं अंकल जी हमारे, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर फंक्शन है और बहुत ही सुंदर। हम लोग जब गए तब फंक्शन में लेट हो गए थे, परंतु दोस्तों डेकोरेशन अंकल ने बहुत सुंदर किया हुआ है। अगर आप लोगों को भी नए घर अभी बनाना चाहते हैं तो कृपया कर आप लोग मुझे DM कर सकते हैं, मैं आप लोगों को हर एक लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा दोस्तों। और यहाँ पर आप देखिए बहुत सुंदर वेल फिनिशिंग के साथ अंकल ने अपना किचन बनाया हुआ है, वॉशरूम बनाया हुआ है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और अधिक से अधिक आप लोग मेरे कमेंट्स करिए दोस्तों, मुझे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आप लोगों का कमेंट्स ही मेरी ताकत है, जिससे मैं और भी ज़्यादा व्लॉग बना सकता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं। और ये देखिए लाइटें बहुत सुंदर सुंदर लगाई है अंकल ने, और रिमोट्स वाले पंखे हैं दोस्तों, मैंने तो कभी देखे नहीं थे और ये पहली बार मैंने देखे, और बहुत ही सुंदर इन्होंने डेकोरेशन करवाया हुआ है, लाइट्स एंड ऑल, और एम्बियंस बहुत अच्छा लग रहा था इनके घर का। और फंक्शन हो चुका है, पूजा हो चुकी है दोस्तों, और हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और लाइट्स देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदरता से उन्होंने अंकल ने जगह का भी यूटिलाइज़ किया हुआ है, यहाँ तक उन्होंने आप देखेंगे वॉशरूम में भी एक कबेट जैसा बनाया हुआ है, और ये बहुत ही यूनिक चीज़ है लगी मुझे दोस्तों, क्योंकि वॉशरूम में कभी भी स्टोरेज के लिए कोई जगह कोई देता नहीं है। और ये देखिए बहुत ही सुंदरता से वॉश बेसिन के नीचे जगह को यूज़ किया गया है। और जय भीम और नमो बुद्धाय दोस्तों, ये देखेंगे आप लोग किस तरह से मम्मी पूजा कर रही है। और बस दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।